ऐसा भी एक दिन हमें देखने को मिल गया था जहां पे हमें मिल रहा था अनलिमिटेड डेटा, हमें मिल रहा था कम पैसे में अनलिमिटेड कॉलिंग। पर आज जमाना बदल गया है प्यारो, आज आपको अनलिमिटेड डेटा देखने को नहीं मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग भी देखने को नहीं मिलता है। और जियो ने भाई क्या कर दिया, आपको कॉलिंग के लिए एक्स्ट्रा यहां पे स्पेंड करना हो रहा है और डेटा के बाद छोड़ ही दो। अब ऐसे समय जहां पे आपको कॉलिंग करने के लिए पैसा ज्यादा देना हो रहा है, अभी वाईफाई कॉलिंग यानी एक वरदान आ चुका है, कॉलिंग ओवर वाईफाई। ये फीचर्स आज दो नेटवर्क प्रोवाइडर ने प्रोवाइड कर दिया है, एक तो जियो और दूसरा एयरटेल। बहुत लोगों के लिए ये एक वरदान है, मेरे लिए भी। तो आखिर ये वाईफाई ओवर कॉलिंग है क्या, आप कैसे इसका उपयोग करोगे, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा और आप कैसे इसका सेटिंग्स कर पाओगे और इसमें क्या वीडियो कॉलिंग का फीचर्स है या नहीं और इसका क्वालिटी आखिर कैसा है, हर एक चीज यहां पे मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M30s है और मैं इसको आपको इसी से ही इसका जो वाईफाई ओवर कॉलिंग है ये आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे अभी के लिए फिलहाल आपको एयरटेल और जियो के तरफ से देखने को मिल जाएगा वाईफाई ओवर कॉलिंग, और एयरटेल की तरफ से वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी अब आ चुका है और इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, कमेंट्स कीजिए। तो ये जो वाईफाई ओवर कॉलिंग है ये आखिर वाईफाई में काम करता है, तो इसके लिए आपके घर में वाईफाई कनेक्शन होना जरूरी है और इससे आपका वाईफाई का ही डेटा खर्च होगा, यानी आपके जब आप कॉल करोगे तो उसका पैसा आपको देना नहीं होगा। तो चाहे वो ब्रॉडबैंड हो या आपका कोई भी लोकल वाईफाई प्रोवाइडर हो, इसका कनेक्शन होना जरूरी है। अब चलिए जाते हैं हम सेट के अंदर, यानी अब ये जो वाईफाई ओवर कॉलिंग है ये सैमसंग के लगभग हर एक फोन में आ चुका है और साउमी के फोन में भी आ चुका है। तो मेरे पास अभी मैं आपको सैमसंग के फोन के द्वारा दिखाऊंगा। तो पहले आपको आपके फोन के सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद आपको वाईफाई ऑप्शन में जाना होगा, वाईफाई को एनेबल करना होगा। आप जानते हो पासवर्ड देके आप यहां पे लॉगिन कर सकते हो। जब आपका जो घर का नेटवर्क है वाईफाई का, इसमें आप कनेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आप जरा सा डाउन कीजिए आपके नोटिफिकेशन पैनल को, वहां पे आपको एक टॉगल देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जरा अपडेट कीजिए, आपको मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M30s का यहां पे बात कर रहा हूं। उसके बाद वाईफाई ओवर कॉलिंग या वाईफाई कॉलिंग का एक आपको नोटिफिकेशन पैनल में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको एनेबल कर दीजिए। अब एनेबल करने के बाद इसको प्रेस कीजिए, प्रेस करने के बाद यहां पे आपको फीचर्स मिलेगा, जे टू रिसीव एंड मेक कॉल थ्रू वाईफाई, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखने को। उसके बाद आपको अगर आप दो सिम यूज कर रहे हो तो आपको वहां पे दो सिम का ऑप्शन दिखाएगा, सिम वन एंड सिम टू। यहां पे देखिए मैं पहले ऑफ कर रहा हूं, उसके बाद यहां पे ऑन कर रहा हूं, तो आपको दोनों में ही सिम वन एंड सिम टू ऑन कर देना है। मैं एक में एयरटेल और दूसरे में जियो यूज कर रहा हूं, तो चलिए कॉल कर लेते हैं, पहले जियो से और उसके बाद एयरटेल से कॉल करेंगे। हाँ सुमन भाई। हाँ कैसा हाल चाल है? अरे बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? हाँ बढ़िया। और अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो मैंने कॉल किया है ये कोई सिम के द्वारा नहीं, ये जस्ट वाईफाई के द्वारा। अच्छा कैसे? अरे भाई एक नया फीचर्स आया है तो वाईफाई ओवर कॉलिंग, जहाँ पे आप वाईफाई के द्वारा ही कॉल कर सकते हो विदाउट सिम कार्ड। अरे बस ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है भाई। हाँ आप मुझे जल्दी से मेरे लिए भी इसे बुक कीजिए। हाँ हाँ, और आपको कॉल क्वालिटी कैसा मिल रहा है? अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम लग रहा है कि आप एकदम नजदीक में है, सिम से ही बात कर रहे हैं ऐसे लग रहा है। अरे बढ़िया भाई, थैंक यू भाई बात करने के लिए। ओके ओके। और এক টিপুন
हिंदी के लिए दो दबाएं. टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 3. जियो लॉन्चेस न्यू ऑल इन वन प्लान्स. टू नो मोर कॉल 19911. तो ये जो आपने देखा कि जियो के तरफ से भी मैं वाईफाई के द्वारा कॉल कर रहा हूं और एयरटेल के द्वारा भी मैं कॉल कर रहा हूं और कॉल क्वालिटी काफी अच्छा है और इसमें आपको वाईफाई का एक सिंबल भी देखने को मिल रहा है और बाजू में ही आपको वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है. जी हां, आप थ्रू वाईफाई जब कॉल करो तो आपको वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा वाईफाई के द्वारा. फिर से मैं कह रहा हूं ये एयरटेल एंड जियो की तरफ से आ चुका है और ये सैमसंग के लगभग हर एक डिवाइस में काम कर रहा है. इसमें कॉल क्वालिटी आपको काफी अच्छा मिल रहा है, कॉल ड्रॉप्स नहीं हो रहा है. साथ में यहां पे आपको कोई भी कॉल क्वालिटी में आपको यहां पे कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा. तो मैंने बात किया और मुझे काफी अच्छा लगा और मैं जब घर में रहता हूं तो थ्रू वाईफाई ही कॉल करता हूं. तो यहां पे आप वीडियो कॉलिंग का मजा भी ले सकते हो और अच्छा एचडी कॉल क्वालिटी का भाई मजा भी यहां पे आप उठा सकते हो. कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा.